चावल की कालाबाजारी करने वाले एक कुख्यात बदमाश वसीम चिड़िया को गिरफ्तार करने में शांतिनगर पुलिस को कामयाबी हासिल हुई है। इस दरमियान पुलिस ने लाखों रुपए का मुद्देमाल जब्त किया, जिस संदर्भ में पुलिस निरीक्षक प्रभावती येकुरके ने अधिक जानकारी साझा की। पुलिस और अन्न व औषधि विभाग ने बुधवार को शांतिनगर में एक कुख्यात बदमाश के घर छापा मारा, जिसमें चावल की कालाबाजारी का खुलासा हुआ। बड़े पैमाने में चावल के बोरे मिलने से विभाग के लोग भी सकते में आ गए। इस बीच लाखों रुपए का माल जब्त किया गया है। शांतिनगर निवासी कुख्यात बदमाश वसीम चिड़िया है। नशीले पदार्थ की तस्करी के अलावा कई गंभीर प्रकरण उसके खिलाफ तहसील लखड़गंज और शांतिनगर थाने में दर्ज है। शांतिनगर थाने के प्रभारी निरीक्षक एकुरे को गुप्त जानकारी मिली कि वसीम अनाज की कालाबाजारी में भी लिप्त है। गत कुछ दिनों से उसके घर के आसपास सादे लिबास में विभाग के लोगों को तैनात किया गया था। सूचना की पुष्टि होते ही विभाग के आला अधिकारियों को इसकी जानकारी दी गई। योजना के तहत बुधवार को पुलिस ने उसके मकान को घेर लिया और छापा मारा और कार्रवाई को अंजाम दिया। कार्रवाई के दौरान पहले माले पर स्थित कमरे में बड़ी संख्या में चावल के बोरे मिले। कुछ माल कहीं ले जाने के लिए वाहन में भी लादा गया था। वाहन और कमरे से बरामद किए गए चावल के बोरों की संख्या करीब 175 बताई जा रही है, जिसमें कुल 15 से 16 टन चावल होने का अंदेशा है। इस बीच सूचना मिलते ही अन्न व औषधि विभाग के लोग भी मौके पर पहुंचे। कल पोलीस स्टेशन शांतिनगर इथे एक गोपनीय माहिती मिळाली होती की पोलीस स्टेशन हद्दीत राहणारा एक कुख्यात गुन्हेगार वसीम चिड़िया हा काही धान्य स्टॉक करून ठेवलेला आहे आणि विक्रीस घेऊन जात आहे। अशा मिळालेल्या गोपनीय माहितीवरून स्टाफसह आम्ही रवाना झालो आणि त्या ठिकाणी जाऊन शहाणीशी केली असता आम्हाला एका वाहनामध्ये माल लोडेड केलेला दिसून आला आणि त्याच्या घराची तपासणी केली असता घरामध्ये पण माल मिळून आलेला आहे। सदरचा माल हा साधारणतः 150 ते 175 पोती म्हणजे जवळजवळ 16 ते 17 टन माल दिसून आला आणि तो संशयास्पदरित्या होता। त्याबाबत विचारणा केली असता त्यांच्याकडे कुठलीही खरेदी विक्री व्यवहाराबाबतचे पावत्या किंवा बिलिंग त्यांनी सादर केलेले नाही आहे। संशय आल्यावरून आम्ही FDI डिपार्टमेंटला त्या ठिकाणी बोलवलेलं आहे। त्या डिपार्टमेंटच्या अधिकाऱ्यांनी रितसर पंचनामा केलेला आहे आणि पुढील कार्यवाही करीता। लाखों रुपए का चावल जब्त किया गया है। आखिरकार नामी अपराधी के घर में इतने बड़े पैमाने में चावल पहुंचे कैसे, यह जांच का विषय है। चावल सरकारी है या चोरी का है, यह भी रहस्य बना हुआ है। फिलहाल प्रकरण को अन्न व औषधि विभाग के सुपुर्द किया गया है। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ दिशा हटवार, BCN न्यूज नागपुर।